नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यादव फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल विकास यादव साइंस क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट पे। अपने फर्स्ट पार्ट में बात कर ली थी कि कौन कौन से जो होते हैं ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उनका सेकंड पार्ट। तो आज बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर टू, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट नंबर टू के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? पार्ट नंबर टू के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है अपना श्वसन दर। यहाँ श्वसन दर से तात्पर्य है दोस्तों कि एक मिनट में मनुष्य कितनी बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस करता है। इट मीन्स कितनी बार सांस अंदर लेता है और कितनी बार सांस छोड़ता है, कितनी बार निःश्वसन होता है और कितनी बार उच्छ्वसन होता है, या अंतःश्वसन या बाह्यश्वसन बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक मिनट में एक मिनट में व्यक्ति द्वारा सांस ली गई और छोड़ी गई जो सांस होती है उसको क्या कहा जाता है? श्वसन दर कहा जाता है। इसमें मीन्स अपन बोल सकते हैं श्वसन दर जो होती है अपन, ये अलग अलग होती है। जैसे नवजात शिशु में श्वसन दर का मान जो होता है वो होता है 44 बार प्रति मिनट। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक नवजात शिशु के अंदर वो 44 बार सांस लेता है और 44 बार सांस छोड़ता है एक मिनट के अंदर। तो ये नवजात शिशु की श्वसन दर आ गई। इसके बाद में बात करते हैं वयस्क व्यक्ति के अंदर। वयस्क व्यक्ति के अंदर जो होता है ये होता है 16 से 20 बार प्रति मिनट। 16 से 20 बार प्रति मिनट क्या होती है? उसकी श्वसन दर होती है। इसके अलावा बात करें वृद्ध व्यक्तियों में जो श्वसन दर होती है दोस्तों, आपने देखा होगा जो लगभग 80 से 85% जो होते हैं उनमें सांस रुक रुक के आता है, इसका मतलब श्वसन दर कम हो जाती है। तो इनमें होती है 15 बार प्रति मिनट, या फिर आप ये बोल सकते हैं 15 से भी कई बार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं 12 से 15 बार प्रति मिनट के बीच में इसकी क्या होती है? श्वसन दर हो जाती है। तो अपन ने बात कर ली श्वसन दर के बारे में। किसके बारे में बात कर ली दोस्तों? श्वसन दर के बारे में। अब बात करते हैं इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक है अपना श्वसन दर के बाद में गैसों का विनिमय क्या होता है दोस्तों? गैसों का विनिमय जो होता है अपन जानते हैं गैसें जो होती है एक्सचेंज होती है, वो टू टाइप्स की गैस होती है, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो फेफड़ों से रक्त तक या कोशिकाओं तक कैसे जाती है, किस किस प्रकार से, किस किस माध्यम से जाती है, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं गैसों के विनिमय में पहली गैस बात कर लेते हैं ऑक्सीजन। तो बात करते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। इस मीन्स फेफड़ों से ऑक्सीजन अपने रक्त में जो ब्लड की जो बॉडी की सेल्स होती है यहाँ तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है या कौन से ऐसे मेथड काम में आते हैं, कितने परसेंट होता है, ये बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर। तो ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर दो प्रकार का परिवहन होता है। एक होता है प्लाज्मा के द्वारा, या बोल सकते हैं रक्त प्लाज्मा के द्वारा। तो प्लाज्मा के द्वारा जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो होता है लगभग 3%। कितना होता है दोस्तों? 3% जो ऑक्सीजन जाती है वो किसके द्वारा जाती है? प्लाज्मा के द्वारा जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा एक प्रकार का श्वसन वर्णक होता है। ये अपन पहले पढ़ चुके रहे हैं अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। इसे क्रोमोप्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर इसका निर्माण होता है आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन जो होती है वो अपने शरीर के अंदर जो होती है रक्त का ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो करती है लगभग 97% जो होती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है? ऑक्सीजन के द्वारा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन या ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं गैसों के विनिमय में ऑक्सीजन की बात कर ली। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। दोस्तों यहाँ देखा अपने प्लाज्मा के द्वारा और हीमोग्लोबिन के द्वारा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 3 प्रकार से ट्रांसफर होता है। पहला होता है आपका प्लाज्मा द्वारा जो होता है इसका होता है 7%। कितना होता है दोस्तों? 7% प्लाज्मा के द्वारा क्या होती है? आपके कार्बनिक अम्ल जो आते हैं किसके द्वारा आता है? कार्बनिक अम्लों के द्वारा। तो यहाँ आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कार्बनिक अम्ल
कार्बनिक अम्लों के द्वारा जो होता है 7% क्या होता है आपका प्लाज्मा के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लगभग होता है 23%। कितना होता है दोस्तों 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है किससे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। एंड रिमेनिंग जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है आपका बाइकार्बोनेट आयनों द्वारा बाइकार्बोनेट आयनों द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लगभग क्या होता है दोस्तों 70% ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा होता है। तो यहाँ तक अपने बात कर ली दो श्वसन दर के बारे में और गैसों के विनिमय के बारे में। अब गैसों के विनिमय के बारे में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कंपटीशन एग्जाम बहुत बार रिपीट होता है कि कितने अमाउंट में जो होती है ऑक्सीजन क्या होती है 100 ml ब्लड के साथ सर्कुलेट होती है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर जो होता है आयरन उसकी ऑक्सीजन से कितनी संयोजकता होती है, या फिर अपन बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन में कितने अणु ऑक्सीजन के संयोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट इसके बाद में आगे इसी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे बात करते हैं सबसे पहले एक हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा कितने अणु के द्वारा एक हीमोग्लोबिन अणु के द्वारा ऑटो अणुओं में से संयोग करने की जो कैपेसिटी होती है कितनी होती है, मतलब एक हीमोग्लोबिन अणु से कितने ऑक्सीजन के अणु आके संयोजित होते हैं, तो होते हैं 4 अणु। दोस्तों आंसर क्या हो गया 4 अणु क्या होते हैं ऑक्सीजन के क्या होते हैं आपके संयोजित होते हैं किसे एक हीमोग्लोबिन से। इसमें से हो गया एक हीमोग्लोबिन, ये हो गया एक हीमोग्लोबिन, इससे 4 O2 अणु जो होंगे वो क्या होंगे संयोजित होंगे। ओके दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोला जाता है HbO2 को किसको बोला जाता है दोस्तों HbO2 को। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में आयरन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है आयरन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है 4 होती है। दोस्तों कितनी संयोजकता होती है आयरन की 4 संयोजकता होती है। आगे बात करते हैं 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा, यहाँ ब्लड की बात नहीं की जा रही यहाँ सिर्फ ग्राम की बात की जा रही हीमोग्लोबिन के, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होने वाली ऑटो की मात्रा जो होती है वो लगभग कितनी होती है 1.34 ml ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है दोस्तों 1.34 ml। अच्छा अपन जानते हैं दोस्तों कि 100 ग्राम ब्लड के अंदर कितने ग्राम अपने हीमोग्लोबिन पाई जाती है लगभग 15 ग्राम के आसपास पाई जाती है, तो 15 को अगर अपन क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाएगा 100 ग्राम ब्लड के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा परिवहन होने वाले ऑक्सीजन की मात्रा। तो यहाँ से बात कर लेते हैं 100 ml रक्त द्वारा मतलब 100 ml ब्लड के द्वारा कितने अमाउंट में क्या की जाती है O2 का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो होता है 20 ml 20 ml क्या होती है ऑक्सीजन किससे 20 ml किससे होती है आपके 100 ml ब्लड से क्या होती है आपसे ट्रांसपोर्ट होती है। इसके बाद बात कर लिया ऑक्सीजन के बारे में, अब बात करते हैं ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन मतलब HbO2 ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन मतलब HbO2। तो ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन जो होती है उसका अन्य नाम क्या होता है उसे और किसे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे कहा जाता है मेथेनोग्लोबिन। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों मेथेनोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन या HbO2 का नाम होता है मेथेनोग्लोबिन। अच्छा दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है ये रंगहीन होता है, कैसा होता है दोस्तों ये रंगहीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन 100 ml रक्त के द्वारा 100 ml ब्लड के द्वारा कितने अमाउंट में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, मतलब कितने अमाउंट में 100 ml ब्लड के साथ में कितने अमाउंट में क्या जाती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड साथ में सर्कुलेट होती है, तो इसकी अमाउंट होती है 4 ml ब्लड कितना सिर्फ 4 ml CO2 की मात्रा होती है, कितनी होती है 4 ml CO2 जो होती है वो आपकी क्या होती है 100 ml ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होती है। आगे बात करते हैं CO2 की तुलना में किसकी तुलना में CO2 के कंपेरिजन में CO मीन्स दोस्तों ध्यान रहे CO कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट को ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट लेटर कैपिटल में एंड सेकंड स्मॉल में, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की मात्रा एक होती है ऑक्सीजन अणु एक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO2 के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बंधुता मतलब हीमोग्लोबिन से ज्यादा प्रभावी इफेक्टिव तरीके से कौन अटैच होता है इन दोनों के अंदर CO2 और CO के अंदर, तो इनके अंदर जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ज्यादा जल्दी जुड़ता है और उसकी बंधुता का मान होता है CO2 से 200 गुना अधिक, मतलब CO2 जो होता है उससे 200 गुना अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड किससे जुड़ जाता है आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ने की कैपेसिटी रखता है। आगे बात करते हैं दैनिक श्वसन दर,
सांस लेना और सांस छोड़ना, जैसे सामान्य अवस्था में बात करें 16 से 20 बार प्रतिदिन प्रति मिनट क्या होती है, अपने श्वसन दर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में श्वसन दर जो होती है उसका नियंत्रण स्थल क्या होता है, मतलब अपना मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इसके जेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे गए, कई क्वेश्चंस में पॉन्स को टिक किया गया, कई क्वेश्चंस में आपके तंत्रिका तंत्र को और कई क्वेश्चंस में मेडुला ओब्लोंगेटा को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तीनों एक ही पार्ट होते हैं, वैसे तंत्रिका तंत्र के पार्ट है और भी मेडुला ओब्लोंगेटा के पार्ट होते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा का जो पार्ट होता है वो छोटा पार्ट होता है, पॉन्स स्थल होता है। तो अपने यहाँ से बात कर लेंगे इसको, पॉन्स भी आपको दोस्तों इनको तीनों को आंसर होगा याद रखना है, आपको तीनों को रख लेना कि एक तो पॉन्स जैसे पॉन्स वेरुलाई भी कहा जाता है। तो श्वसन स्थल कौन सा हो गया, श्वसन जो दर जो होती है उसको कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा हो गया मस्तिष्क का, एक तो हो गया पॉन्स वेरुलाई या पॉन्स, दूसरा हो गया तंत्रिका तंत्र और तीसरा कौन सा हो गया मेडुला ओब्लोंगेटा हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर ली। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम्स मीन्स क्या होता है कि अपन इनहेलेशन के अंदर या एक्सहेलेशन के अंदर, इस मीन्स अपन जैसे निःश्वसन या उच्छ्वसन के अंदर क्या करते हैं, कितने अमाउंट में ऑक्सीजन जो गैसेज हैं उनको अपन एग्जिट करते हैं, एंटर करवाते हैं, या फिर अपन फोर्स के द्वारा कैसे करते हैं, या फिर टोटल अपने जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, वही वॉल्यूम्स होती है। तो अपन बात करते हैं गैसों के आयतन के बारे में। एक टॉपिक आता है रेस्पिरेशन संबंधित, बात करते हैं गैसों का आयतन, गैसों का आयतन या फिर अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेज, वॉल्यूम ऑफ गैसेज। अच्छा दोस्तों अपन ने बात करना भूल गए थे कि श्वसन दर मापी जो क्या होती है, मनुष्य के अंदर जो श्वसन दर जो होती है, मतलब कितनी अमाउंट में अपन सांस लेते हैं, कितनी नहीं लेते जो भी होती है, एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार छोड़ते हैं, उसको मापने वाला जो यंत्र होता है दोस्तों वो होता है स्पायरोमीटर। क्या होता है दोस्तों? स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर। अच्छा बात करते हैं सबसे पहले जो गैसों का आयतन आता है उसमें सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या आती है दोस्तों? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब टीवी, इट्स मीन बोल सकते हो ज्वारीय आयतन। क्या बोल सकते हैं? ज्वारीय आयतन। टाइडल वॉल्यूम टीवी या ज्वारीय आयतन, इसकी अमाउंट जो होती है 500 ml। क्या होती है दोस्तों? 500 ml। अच्छा इस मीन्स टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन का मतलब क्या होता है? एक उच्छ्वसन में, उच्छ्वसन मतलब गैस को बाहर निकालना, निःश्वसन में या श्वास को अंदर लेना, मैं प्रयुक्त गैस की मात्रा जो होती है एक बार में, एक बार अपने सांस एंटर करवाया या फिर सांस एग्जिट करवाया उसमें कितने अमाउंट में गैस प्रयुक्त होती है, क्या काम में ली जाती है, कितनी होती है? 500 ml, जिसे क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वारीय आयतन कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरा आता है आपका क्या दे रखा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इसे कहा जाता है, या फिर कहा जाता है निःश्वसन आरक्षित आयतन, निःश्वसन आरक्षित आयतन। इसकी अमाउंट जो होती है वो होती है 3000 ml। कितनी होती है दोस्तों? 3000 ml होती है। अच्छा बात करते हैं ये निःश्वसन आरक्षित आयतन या फिर IRV क्या होता है। ये होता है बलपूर्वक मतलब फोर्स के साथ में, फोर्स के साथ में प्रवेश कराई गई वायु की मात्रा, मतलब फोर्स विद फोर्स अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इनहेलेशन करें फोर्स के साथ में, तो कितने अमाउंट में अपन जो गैस होती है उसको अपन लंग्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं या फिर एंटर करवा सकते हैं, वो उसकी अमाउंट जो होती है 3000 ml होती है, मतलब 3 लीटर हो गई लगभग। अच्छा बात करते हैं इसके बाद में आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इसके जस्ट अपोजिट है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस मीन्स ERV या फिर बोल सकते हैं उच्छ्वसन आरक्षित आयतन, इसकी मात्रा जो होती है वो होती है 1100 ml। दोस्तों कितनी होती है? लगभग 1100 ml होती है। 1100 ml मतलब अभी ERV का मतलब होता है बलपूर्वक बाहर छोड़ी गई वायु की मात्रा, जितना अपन वायु बलपूर्वक एंटर कराते हैं उतना ही अपन बलपूर्वक मतलब फोर्स के साथ विद फोर्स क्या कर सकते हैं, अपन एक्सेलरेशन करें, उस प्रोसेस में कितने अमाउंट में गैस बाहर निकलती है उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV कहा जाता है। तीन वॉल्यूम की बात कर ली। चौथा आता है रेसिड्यूल वॉल्यूम, कौन सा है? रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम का मतलब हो गया RV, इस मीन्स रेजिडुअल मतलब एक जगह उपस्थित, इस मीन्स अपन बोल सकते हैं अवशिष्ट या अवशेषी आयतन, मतलब जो होती है अपन बोल सकते हैं जो अपने बात की थी ERV के बाद में, अपन अगर फोर्स के साथ में अगर एक्सेलेशन करें फिर भी उसके बाद में भी अगर अपने लंग्स के अंदर क्या अगर गैसेज बची हुई है उस वाली स्टोरेज अमाउंट को बोलते हैं अपन RV, रेजिड्यूल वॉल्यूम या अवशिष्ट या अवशेषी आयतन, जिसकी मात्रा होती है 1200 ml। कितनी होती है दोस्तों? 1200 ml, मतलब फोर्स के साथ में गैसेज एग्जिट करने के बाद में भी क्या होती है अपने लंग्स के अंदर अपने एयर बची रह जाती है। आगे बात करते हैं, फिफ्थ आती है वाइटल वॉल्यूम, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब VC, और इसे जैविक जीव क्षमता भी कहा जाता है, जैविक क्षमता या फिर जैव क्षमता भी कहा जाता है। इसके अमाउंट जो होती है वो होती है टोटल 4600। कितनी होती है दोस्तों? 4600 ml होती है। अच्छा ये वाइटल वॉल्यूम कैसे बनती है? ये बनती है IRV मतलब फोर्स के साथ में एयर एंटर करवाते हैं जितनी अमाउंट, इसके साथ में ERV जितनी फोर्स के साथ में निकाल सकते हैं उतनी वॉल्यूम, और इसके साथ में टाइडल वॉल्यूम जो होती है एक
बार में लेनी और देने वाली जो वॉल्यूम होती है उसको 500 ml ले लेंगे। इन सभी को ऐड करने के बाद बनती है आपकी वाइटल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये हो गई आपकी 4600। लास्ट जो वॉल्यूम है वो आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब TLC, इट्स मीन लंग्स, इट्स मीन्स क्या हो गया अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे अपने जैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं 500, इसके अलावा IRV, ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम जो भी होती है सारी सबको ऐड करने के बाद में क्या बनता है TLC बनती है। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कुल फुफ्फुस क्षमता या कुल फेफड़ों की क्षमता जो होती है कितनी होती है दोस्तों, इसका मान होता है 5800 ml। कितना होता है दोस्तों 5800 ml। इस मीन्स ये बढ़ती है IRV प्लस ERV प्लस TV और प्लस RV, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और रेजिड्यूल वॉल्यूम, ये सारी मिलकर के किसका निर्माण करती है टोटल लंग्स कैपेसिटी का निर्माण करती है। तो अपने बात कर ली कैपेसिटीज या वॉल्यूम के बारे में, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने इसके जो मतलब रोग होते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है या डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में, श्वसन संबंधी विकार या श्वसन संबंधी रोग जो होते हैं। अच्छा बात करते हैं सबसे पहले जो रोग होता है अस्थमा या दमा रोग होता है। पहला रोग कौन सा होता है, अस्थमा या दमा रोग। ये जो होता है ये एलर्जी कारकों की वजह से होता है। एलर्जी कारक जैसे आपके हो गए मतलब जैसे आपके यह रोग होता है एलर्जी कारकों के द्वारा। एलर्जी कारक जैसे आपके पोलन ग्रेन हो गए, कार्बन पार्टिकल्स हो गए, ऐसे वाले जो होते हैं एलर्जी कारकों के द्वारा होता है। जैसे ज्यादातर अधिकतर धूम्रपान करने से, बीड़ी सिगरेट पीने से भी ये रोग होता है, तो ये एलर्जी कारकों के द्वारा होता है। अच्छा बात करते हैं इस रोग के लक्षण क्या होते हैं श्वसन के समय, मतलब आप इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर रहे हैं, मतलब आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसमें क्या होती है सीटी के समान आवाज उत्पन्न होती है। सीटी के समान क्या होती है ध्वनि उत्पन्न होती है इस रोग के अंदर, इसे कहा जाता है अस्थमा या दमा रोग होता है। अच्छा बात करते हैं उपचार, उपचार में मैं आपको बताना पहुंचाऊंगा कि जितने भी श्वसन संबंधी रोग होते हैं, अधिकतर जो जितने भी श्वसन संबंधी रोग है उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें ही काम में ली जाती है, तो उपचार सभी के सेम रहेंगे। तो ब्रोंकोडायलेटर और या फिर एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है, ब्रोंकोडायलेटर या फिर क्या दी जाती है एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। अच्छा बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में है सेकंड जो डिजीज है वो है न्यूमोनिया। सेकंड डिजीज कौन सी है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है वो एक बैक्टीरिया या जैसे बोल सकते हैं जीवाणु के संक्रमण के होने से, संक्रमण से होने वाली डिजीज है, एक इन्फेक्टेड डिजीज है जिस जो किसके द्वारा होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। जो अपने ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया के अंदर क्या होता है जो अपनी ट्रेकिया होती है उसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है, और ये क्या करता है गॉबलेट सेल्स जो होती है उनको ज्यादा एक्टिव करता है और ज्यादा स्लेस में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होती है जो ट्रेकिया होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। जब बात करते हैं यह वृद्धों और बच्चों के अंदर अधिक होता है, यह वृद्धों और बच्चों में इस रोग के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं। अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट रोग आता है अपना, इसका भी उपचार क्या हो गया आपका ब्रोंकोडायलेटर या फिर एंटीबायोटिक हो गया सभी का। अच्छा बात करते हैं नेक्स्ट है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। क्या है लंग कैंसर, ये जो होता है धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट से अधिक होता है। बीड़ी सिगरेट के अंदर क्या होते हैं कैंसर जनित कारक होते हैं जिनके द्वारा ये होता है। इसके अंदर क्या होती है जो लंग्स जो होते हैं, लंग्स की जो मतलब गैसें जो स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी होती है, इस मीन्स जो एलोलाई स्ट्रक्चर होती है कुपिका जो होती है नष्ट हो जाती है या फिर उनकी जो दिल्लियाँ होती है वो फट जाती है। इस वजह से लंग्स की जो कैपेसिटी होती है मतलब गैसेज को स्टोर करने की वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में जो रोग होता है उसे बोलते हैं लंग्स कैंसर या फिर फेफड़ों का कैंसर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है श्वसनी शोथ, कौन सा रोग है श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है श्वसन की जो श्वसनी की जो आंतरिक दीवारें होती है मतलब ट्रेकिया के बाद में क्या होती है ब्रोंचाई, तो ब्रोंचाई की जो इंटरनल सरफेस होती है उनके अंदर क्या होता है संक्रमण हो जाता है, उनके अंदर सूजन आ जाती है, अधिक स्लेष्म पदार्थ स्त्रावित होने लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है उसके अंदर लगातार पीला कफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लगातार खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे वाली जो समस्या होती है उसे कहा जाता है श्वसनी शोथ, और श्वसनी शोथ का उपचार भी क्या हो गया ब्रोंकोडायलेटर या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वाला रोग, इसे आप ऑक्यूपेशनल डिजीज भी बोल सकते हैं या फिर अपन इसे व्यवसायिक रोग भी बोल सकते हैं, जो होता है एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, अच्छा दोस्तों यहाँ ध्यान दें एस्बेस्टोस ये वर्ड बना है एस्बेस्टोस से, ये वर्ड बना है सिलिका से, किससे बना है सिलिका से। एस्बेस्टोस का मतलब होता है आग में न जलने वाला पदार्थ जो होता है वो एस्बेस्टोस होता है। दोस्तों ध्यान रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग में न जलने वाला पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है एस्बेस्टोस। इसके अलावा मिट्टी को जो कहा जाता है साइंस में सिलिका कहा जाता है, क्या कहा जाता है सिलिका कहा जाता है। अच्छा तो एस्बेस्टोस या फिर मिट्टी के खानों में
ये रोगों के बारे में बता रहा हूँ कि एस्बेस्टोस या मिट्टी के खानों में काम करने वाले लोगों के अंदर ये रोग अधिकता से दिखाई देता है। कौन सा? एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस। अच्छा, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस का मतलब ये हो गया कि एस्बेस्टोस और सिलिका के मिट्टी के जो कण होते हैं या एस्बेस्टोस के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो खान के अंदर मजदूर काम करते हैं उनके इनहेलेशन के द्वारा क्या होगा, अंदर जाएंगे और फेफड़ों में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं। एस्बेस्टोस हमेशा में जो रोग होता है उसको क्या कहा जाता है, एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस रोग कहा जाता है। ये एक प्रकार से व्यावसायिक रोग भी होता है। अच्छा, बात करते हैं, इसके बाद में आता है कैसन रोग। कौन सा रोग है? कैसन या डिसबेरिज्म रोग। दोस्तों, इस रोग के बारे में आपने नहीं सुना होगा, पर मैं आपको बता दूं, कैसन रोग या डिसबेरिज्म रोग जो होता है, ये होता है समुद्रों के जो गोताखोर होते हैं उनके अंदर ज्यादा होता है। ये जो रोग होता है, ये समुद्र के गहरे में जितना अधिक गहरे में जाएंगे उससे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। समुद्र की जल की गहराई में जितनी गहराई तक जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ जाता है, और जो फेफड़े जो होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, वायु दाब बढ़ जाता है, और वायु दाब के बढ़ने की वजह से क्या होता है, सीने में दर्द होना या फिर सांस लेने में कठिनाई होना, ऐसे वाली प्रॉब्लम जो आती है इसे कहा जाता है कैसन रोग या डिसबेरिज्म रोग कहा जाता है। ये होता है मुख्यतः जल की अंदर गहराई में अत्यधिक रूप से जाने पर। इसके अलावा इसका अपोजिट होता है अनोक्सिया या हाइपोक्सिया। देखो, साइंस में पढ़ा था पढ़ने, दो वर्ड होते हैं, एक हाइपर एक हाइपो। हाइपर का मतलब होता है अधिक होना, हाइपो मतलब कम होना, तो हाइपोक्सिया या फिर अनोक्सिया ये रोग जो होता है ये इसका अपोजिट है। इस मीन्स ये पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर जाने वाले या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले पर्वत जो पर्वतारोही होते हैं या फिर पर्वत ऊपर पाए जाने वाली जनजातियाँ होती है उनके अंदर इस रोग के लक्षण अधिक देखे जाते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर रहने के बाद में क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है और इस सिचुएशन में क्या होती है, अपनी हार्ट बीट और श्वसन दर बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है, अनोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया कहा जाता है। तो अपन ने ये पढ़ लिया आज अपने श्वसन संबंधी रोगों के बारे में या फिर विकारों के बारे में। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं श्वसन वर्णक। दोस्तों, इसके बाद में अपना टॉपिक है श्वसन वर्णक। अच्छा, श्वसन वर्णक के अंदर बात करते हैं कौन कौन से जीवों के अंदर किस किस प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन। यहाँ बात करें अपन पिगमेंट्स के बारे में, पिगमेंट हो गया फर्स्ट अपना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका ऑक्सीकृत रंग जो होता है वो लाल होता है, और हीमोग्लोबिन का कलर कैसे होता है, उसका रेड कलर होता है। इसके बाद में बात करते हैं उसके अंदर मेटल जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, आयरन मेटल पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है हीमोग्लोबिन जो उपस्थित होता है वो आरबीसी के सेंटर पॉइंट पे होता है। तो ये बात कर लेते हैं उपस्थिति के बारे में कि कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं उदाहरण, जो सभी के शरीर जीव जो होते हैं, जितने भी कॉर्डेट्स जो एनिमल्स होते हैं उन सभी के अंदर ऐसा पाया जाता है। इट मीन्स हीमोग्लोबिन जो होता है उसका ऑक्सीकृत रंग लाल होता है, उसके अंदर पाए जाने वाला धातु आयरन हो गई, उसके उपस्थिति कहाँ हो गई, आरबीसी हो गई, और उदाहरण क्या होगा उसके, सभी कशेरुकी जीव। इसी प्रकार से अन्य श्वसन वर्णक दिए गए। सेकंड आता है आपका हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेड एग्जाम में हर तीन साल के अंदर या चार साल के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन के बारे में बात करते हैं। हीमोसाइनिन जो होता है वो नीले रंग का होता है, मतलब रक्त जो होता है ऑक्सीकृत रक्त से होता है, इसका नीला रंग होता है, जीवों के रक्त का रंग नीला होता है। अच्छा, बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाला जो धातु होती है, कॉपर धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, इसके अंदर धातु कौन सी होती है, कॉपर धातु। विटामिन बी टू वाला के अंदर कोबाल्ट पाई जाती है, जबकि इसके अंदर क्या होती है, कॉपर धातु होती है। अच्छा, बात करते हैं कहाँ पाया जाता है, क्योंकि आरबीसी नहीं होती, आरबीसी होती तो रेड कलर होता ब्लड का, इसलिए क्या होता है, क्या होता है, डायरेक्ट कहाँ होती है, ये हीमोसाइनिन का होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अच्छा, बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जितने भी सदस्य होते हैं सभी के अंदर ऐसा होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के सदस्यों के अंदर रक्त का नीला रंग पाया जाता है। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट आता है क्लोरोक्रियोरिन। क्लोरोक्रियोरिन जो होता है उस रक्त का रंग जो होता है जीवों का वो जो होता है हरा रंग होता है, ब्लड जो पाया जाता है वो हरे रंग का ब्लड पाया जाता है इनके अंदर। अच्छा, इनके अंदर भी कौन सी मेटल पाई जाती है, आयरन मेटल पाई जाती है, लोह धातु पाई जाती है। उपस्थिति कहाँ होती है, प्लाज्मा होती है। इसके अलावा सभी प्लाज्मा में पाए जाते हैं दोस्तों, हीमोग्लोबिन के अलावा जितने भी श्वसन वर्णक होते हैं सारे सारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये भी कहाँ होता है, प्लाज्मा के अंदर होता है। अच्छा, ऐसे वाले एनिमल्स का एग्जांपल क्या हो गया, कुछ एनिलिड्स जैसे होते हैं या कुछ एनिलिडा संघ के सदस्य होते हैं जिनके अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट है अपना हीमोइरिथ्रिन। कौन सा होता है नेक्स्ट, हीमोइरिथ्रिन। चौथा वर्णक है अपना हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन जो होता है इसका रंग भी कैसा होता है, लाल रंग होता है। कैसा, लाल रंग, रक्त के जीवों का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। ये जो पाया जाता है इसके अंदर भी कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती, ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, मतलब सॉरी, ये पाया जाता है आपका प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन की तरह नहीं होता लेकिन ये, तो हीमोइरिथ्रिन जो होता है लाल रंग का होता है, इसका ऑक्सीकृत रंग आयरन पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, हीमोइरिथ्रिन, ये पाया जाता है रक्त प्लाज्मा के अंदर। इसके एग्जाम्पल हो गए कुछ एनिलिड्स जीव जो होते हैं वैसे एक्टिविटी शो करते हैं।
अब बात करते हैं इसके बाद में कुछ संसद से संबंधित क्रियाएं, या फिर अपन बोल सकते हैं कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट बातें आती है कि श्वसन का ज्यादा होना, कम होना, श्वसन दर का सामान्य होना या अनुपस्थित होना, ऐसे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहला आता है श्वसन दर का कम होना, श्वसन दर का सामान्य से कम होना। आप जानते हैं श्वसन दर जो होती है 16 से 20 टाइम पर 20 बार पर मिनट होती है। तो अगर सामान्य दर कम हो जाएगी, मतलब 16 से भी अगर श्वसन दर कम हो जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोनोइया। क्या बोला था उसे दोस्तों? हाइपोनोइया। 16 से भी अगर श्वसन दर का कम होना तो क्या कहलाता है? हाइपोनोइया। अच्छा, श्वसन दर का अधिक होना, श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना, श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना, उसे कहा जाता है हाइपोनोइया। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाइपोनोइया। आगे आता है श्वसन दर का सामान्य होना, श्वसन दर का सामान्य होना मतलब सामान्य श्वसन दर जो होती है उसे कहा जाता है यूनोइया। कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है उसे? यूनोइया। नॉर्मल श्वसन दर मतलब इस मीन्स ये बोल सकते हैं 16 से 20 20 जो बार प्रति मिनट है, तो उसे क्या कहा जाता है? यूनोइया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? यूनोइया। एक आता है लास्ट, श्वसन क्रिया का अभाव होना, मतलब श्वसन क्रिया का अनुपस्थित होना, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो ही नहीं, मतलब ना तो इनहेलेशन हो ना एक्सहेलेशन हो, उस कंडीशन में इसे क्या कहा जाता है? एनोइया कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? एनोइया कहा जाता है। तो दोस्तों अपने यहाँ चार बातें कर ली, हाइपोनोइया, हाइपरनोइया, यूनोइया और एनोइया। अब नेक्स्ट बात करते हैं रक्त में CO2 की अधिकता। अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, अगर ब्लड के अंदर उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है, ब्लड में या शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरकैपनिया। क्या कहा जाता है दोस्तों उसे? हाइपरकैपनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरकैपनिया के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार इसका अपोजिट, अगर रक्त के अंदर अगर CO2 की मात्रा कम हो जाए, अगर रक्त में ब्लड में CO2 की मात्रा अगर कम हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपोकैपनिया कहा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा, हाइपर का मतलब अधिक होना और हाइपो मतलब कम होना, तो यहाँ CO2 की मात्रा कम हो रही, तो इसलिए इसको बोल देंगे हाइपोकैपनिया, और CO2 की मात्रा का अधिक होना क्या कहलाएगा? हाइपरकैपनिया कहलाएगा। इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जेट और ICR जो क्वेश्चन एग्जाम जो होती है उनके अंदर बहुत बार इन क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, ये दो प्रभाव होते हैं, एक हेल्डन प्रभाव होता है और एक बोहर प्रभाव होता है। सबसे पहले बोहर प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। बोहर प्रभाव क्या होता है? ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन जो होती है, मतलब आपकी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो होती है वो दोनों ऐसे अटैच में रहती है, दोनों जुड़ी रहती है, ऑक्सीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का वियोजन चक्कर जो होता है, मतलब इनके टूटने का जो क्रम होता है, वो थोड़ा सा ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो वो उसका आकार थोड़ा सा जाके ऐसे हट जाता है, दूर हटता जाता है। इस वाले आकार को कहा जाता है सिग्मोइड या सिग्मा रूपी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का वियोजन चक्कर किस प्रकार का है, किस आकार का होता है? तो दोस्तों किस रूप में होता है? सिग्मा रूपी या सिग्मोइड होता है। कैसा होता है ये आकार? कैसा हो गया? सिग्मा। कैसा होता है दोस्तों? सिग्मा रूपी या सिग्मोइड हो गया। कैसा हो गया? सिग्मा रूपी या सिग्मोइड हो गया। तो ये होता है आपका बोहर प्रभाव। क्या होता है? बोहर प्रभाव का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होने पर फेफड़ों के उत्कों से ऑक्सीजन का अलग होना या हीमोग्लोबिन से अलग होना क्या कहलाता है? बोहर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? बोहर प्रभाव। तो बोहर प्रभाव जो होता है उसमें अंदर जो आकार बनता है किसका रूप होता है? ग्राफ, सिग्मा रूप या सिग्मोइड होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रभाव होता है हेल्डन प्रभाव। कौन सा होता है दोस्तों? हेल्डन प्रभाव। हेल्डन प्रभाव का मतलब होता है यहाँ पर फेफड़ों के उत्कों से कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होना। मान लीजिए जैसे बात करें अपन सबसे जैसे जैसे अपना ब्लड वापस लंग्स के अंदर आएगा, तो ब्लड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ अधिक हो जाएगी। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा और कोशिकाओं में चला जाएगा, और जो बाकी हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन लेके वापस चला जाएगा। तो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होना या मुक्त होना जो होता है या उत्कों से अलग होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेल्डन प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हेल्डन प्रभाव। फेफड़ों के उत्कों से CO2 का अलग होकर बाहर निकलना क्या कहलाता है? हेल्डन प्रभाव कहलाता है। तो दोस्तों अपने बात कर ली लास्ट टॉपिक के बारे में जो था अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड श्वसन होने के बारे में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। जय हिंद से भारत।